एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो। ये है अनवांटेड हेयर के लिए। लड़कियाँ बहुत परेशान होती हैं, पार्लर में आती हैं, वैक्स कराती हैं, बहुत गर्म वैक्स लगती है, खींचती है स्किन। तो अनवांटेड हेयर को परमानेंटली रिमूव करने के लिए मैं आपके लिए घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के गुण बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि हल्दी में कितने गुण होते हैं, कितनी अच्छी होती है हल्दी। और उसके लिए लिया मैंने गेहूं का आटा, और तीसरा लिया मैंने लिया है रो मिल्क। आपका मिल्क कच्चा होना चाहिए, पका हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पके हुए मिल्क में चिकनाई होती है, तो हमें वो चिकनाई नहीं चाहिए। तो ये दोनों को मिक्स कर लेंगे, इसका पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह। ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर ये पतला हो गया तो लगाते वक्त आपका टपकेगा। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा इसको, जितना भी आपके फेस पर लग सकता है। तो इसमें डालूंगी मैं एक चुटकी हल्दी, सिर्फ एक चुटकी डालूंगी, क्योंकि हल्दी की भी तासीर गर्म होती है और ये हल्दी फेस को बहुत ज़्यादा पीला रंग छोड़ देती है। तो इस वजह से एक ही चुटकी डालेंगे, क्योंकि हमने ये एवरी वीक करना है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है, इस तरह से आप बना लेंगे। तो चलिए, लगाने के लिए तैयार हो चुका है, तो इसको लगाते हैं हम। बालों को कर लेंगे सेपरेट, और ये जो हमारा रो मिल्क बच गया था इसको हमने फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, इसको मैं यूज़ बाद में आपको बताऊंगी। तो अभी मैं इसको फेस पैक की तरह लगा लेती हूँ। तो मैं आपको पूरे फेस के बाल उतारने बता रही हूँ, तो इसलिए पूरे फेस पे पैक की तरह लगाऊंगी इसे। अगर आपके पूरे फेस पे हेयर नहीं है, सिर्फ अपर लिप साइड लॉक से चिन पर है, तो आप उसी एरिया पे यूज़ करना, इसको पूरे फेस पे यूज़ नहीं करना। इसको हम अच्छे से लगाएंगे, अच्छे से मर्ज करते हुए लगाएंगे, ताकि हमारे जो फेशियल हेयर हैं, छोटे छोटे रुए हैं, सब पे हमारा आटा अच्छे से चिपक जाए। ये चिपकेगा तभी हमारे बाल अच्छे से रिमूव हो पाएंगे। तो ये चिपकना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से मर्ज करते हुए हम इसको लगाएंगे। ये नहीं कि आपने ऊपर ऊपर रख लिया और फेस पैक की तरह लगा लिया, उस तरह से नहीं। थोड़ी सी इसको मसाज भी देंगे, थ्रेडिंग पे बचा के लगाएं। वैसे तो थ्रेडिंग पर अगर लग भी जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है, बट कोशिश करें कि थ्रेडिंग पे ना लगे, क्योंकि ये हेयर रिमूव हमने कर रहे हैं इससे, तो थ्रेडिंग के बाल हमें नहीं रिमूव करने, तो थ्रेडिंग पे ही ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत कस्टमर मेरे आते हैं, उनकी पूरी चिन भरी होती है बालों से, बहुत ज़्यादा होता है। तो चिन पे भी अच्छे लगाएंगे, नेक पे भी, कानों पे अगर किसी के बाल, तो कानों के भी बाल ये रिमूव करेगा। आप बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं नेक पे भी अच्छे से लगा लूँगी, ताकि नेक पे भी जो भी कोई एक्स्ट्रा हेयर हो, रुआ हो, वो सब मेरा इससे ख़त्म हो जाए। तो इससे जो रुए ख़त्म होंगे वो परमानेंटली होंगे, कभी आएंगे नहीं दोबारा। तो अब इसको हम रख लेंगे 10 मिनट लगाने के बाद, इसको हम सुखाएंगे अच्छे से। चाहे आपको आप पंखे के नीचे बैठकर भी सुखा सकते हो, नहीं तो आप वैसे नॉर्मली भी सुखा सकते हो। ये देखिए सूख चुका है, बस थोड़ी सी इसमें नमी रहनी चाहिए, पूरा एकदम से नहीं सुखाना है, हल्की हल्की नमी रहनी चाहिए। तो सूखने के बाद क्या करना है, हमने इसको अपोजिट डायरेक्शन में इसको रब करना है। जैसे हमारी ग्रोथ नीचे की साइड होती है, तो हमने इसको ऊपर की साइड रब करना है, तभी हमारे बाल निकल पाएंगे। देखिए ऊपर की तरफ करूँगी और चिन से अच्छे से कर लूँगी, चिन की भी ग्रोथ देखकर, डायरेक्शन देखकर, अपर लिप की डायरेक्शन देखकर इसको रब करते जाएंगे। अपर लिप में हमारी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी आती है, थ्रेडिंग से पहले ही अपर लिप की ग्रोथ आती है। तो अपर लिप के भी हेयर रिमूव अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि अपर लिप के इतने हार्ड नहीं होते हैं, चिन के साइड लोग ज़्यादा हार्ड होती है। देखिए इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको हाथ चलाना है। ज़्यादा रब करने से क्या होता है ना, स्किन रेड हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि उसके लिए आपको क्या करना है। जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत गोरी स्किन है, तो ये करने से उनकी स्किन रेड हो जाएगी। तो उसको भी सेटल करने के लिए मैं आपको बताऊंगी बाद में हमने क्या करना है। अभी हम इसको अच्छे से उतार लेते हैं। फोरहेड पे भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, तो फोरहेड को भी अच्छे से रब कर लेंगे। तो ये पूरा उतर चुका है। अब हमने अपनी रेडनेस को ठीक करने के लिए क्या करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए पूरा उतर चुका है। तो हमारा जो रो मिल्क बचा था उसका हमने यूज़ करना है। तो हमने लेनी है थोड़ी सी कॉटन, कॉटन को दूध में डिप करके हमने इसके मसाज करनी है, कॉटन से ही करनी है। अच्छे से लगा लेंगे इसको। हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स हो चुके हैं बाल निकलने से, जो हमारी स्किन फर्स्ट लेयर तक पहुंच चुकी है, उस तक ये पहुंचाएगा। हमारे स्किन को बहुत अच्छा प्रोटीन देगा। दूध पीना भी बहुत अच्छा होता है और स्किन को पिलाना भी काफ़ी अच्छा होता है।
अच्छे से लगा लेंगे, इसको अच्छे से भर भर के लगाएंगे ताकि अंदर पोर्स तक जाए। थ्रेडिंग पे लगाएंगे, अपने डार्क सर्कल पे लगाएंगे। अभी ख़त्म होने जा रहा था तो मैंने हाथों से इसकी मसाज करी, हाथों से भी करेंगे अपने फेस की मसाज, पूरे अच्छे से गर्दन पे करेंगे, पूरी स्किन आपकी इसे निखर जाएगी धूप जैसी अगर ये आप करेंगे तो। हम इसको मसाज करके इसको भी हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इसको भी हम अच्छे से अब्जॉर्ब करेंगे स्किन के अंदर। अपने कानों पे, नेक पे अच्छी तरह से मसाज करेंगे, मसाज करके इसको रेस्ट करने देंगे। ये देखिए स्किन के अंदर पूरा दूध चला गया, मेरे स्किन के अंदर पूरा अब्जॉर्ब हो चुका है दूध, पूरा अच्छे से मेरी स्किन पी चुकी है दूध को। अब मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूंगी। ये देखिए गाइस वॉश कर आई हूँ मैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपका राइट है। और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके आपको अच्छा लगा तो इसमें क्या अच्छा लगा और आपने कैसे इसको यूज़ किया, और अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा आपको, उसका रीज़न मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।